नाबालिग भक्त से बलात्कार के मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को जोधपुर की विशेष SC/ST अदालत ने दोषी करार दिया है। आसाराम के अलावा इस केस में हॉस्टल वार्डन शिल्पी और हॉस्टल के निदेशक शरत चंद्र को भी दोषी करार दिया है, जबकि सेवादार शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया है। आसाराम को जिन धाराओं के तहत बलात्कार का दोषी पाया गया है उनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। जब हमारी गवर्नमेंट थी तब अरेस्ट हुए थे वो, तभी प्रेमा फेसाई जब तथ्य सामने आए तब जाके उनको अरेस्ट किया गया था। तब भी उनके फॉलोअर्स ने काफ़ी शोर मचाया था। तब भी हमने अपील की थी कि आप शांति बनाए रखें, ये काम कानून का है, कानून को अपना काम करने दें। अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिल गया है। पीड़िता के पिता ने उन सभी लोगों का भी आभार जताया जो एक ताकतवर शख्स के खिलाफ 4.5 साल तक चली न्यायिक लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे। वहीं आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा कि उनकी टीम अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करने के बाद आगे की रणनीति तय करेगी। आसाराम पर अगस्त 2013 में जोधपुर में अपने आश्रम की कुटिया में एक शिष्या के साथ बलात्कार करने का आरोप था।